हेलो एंड वेलकम अगेन, मैं हूँ विष्णु मोहाली और यह है द विष्णु मोहाली शो हिंदी। तो आज को फिर से एक टीममेट या कह सकते हो गांव का बंदा, तो यहाँ पे प्रथम विश्वकर्मा को लेकर आया हूँ और इससे बात करने वाले हैं। वैसे ये कुछ दो दिन पहले कह रहे थे कि कभी नहीं आएंगे, आज ही आ चुके हैं लाइन पे। तो आज बात करेंगे प्रथम विश्वकर्मा से और बेसिकली अभी ये हमारे लिए वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, कभी कभी रिकॉर्ड भी करते हैं ऑब्वियसली, और वीडियो के सामने भी आ रहे हैं। तो ये भी एक वीडियो है, वीडियो के सामने ये वीडियो बना लेते हैं, बट वही बहुत सारे अटकने वाला प्रॉब्लम जो होता है नॉर्मली स्टार्टिंग पे, तो वो इशू से झेल रहे हैं ये भी। जैसे कि मैंने बताया था डेविड के केस में, उनका वो बहुत ही ज़्यादा नए हैं। प्रथम के केस में इसने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे जो भी है, तो वहाँ पे ऑलरेडी कुछ वीडियोस बना चुके हैं, तो थोड़ी कॉन्फिडेंट है कंपेयर टू डेविड गर्ट्स। आज को इसके बारे में बात करने वाले हैं। प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्रथम सर। मेरा नाम है प्रथम विश्वकर्मा और विष्णु भैया के मतलब घर के पास ही है मेरा घर भी। तुम क्या करते हो? मैं फिलहाल अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। 2020 को मैंने स्कूल छोड़ दिया था क्योंकि मुझको पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, तो इसलिए मैंने स्कूल जो है वो छोड़ दिया था, क्योंकि मुझको फोटोग्राफी वीडियोग्राफी एंड जो एडिटिंग है उसमें मुझको ज़्यादा अच्छा लगता था। मतलब मुझको मन करता था मैं फोटोज क्लिक करना हो गया। जैसे कि मैंने यूट्यूब चैनल खोला है, मैं अपना यूट्यूब वीडियोज से मैं वहाँ पे अपलोड करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, मुझको वो सब बनाना ज़्यादा अच्छा लगता था। और स्कूल जाने की वजह से क्या होता था कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसमें मैं एक्टिव नहीं हो पाता था और वीडियोस जो है वो नहीं बना पाता था, तो इसलिए मैंने स्कूल को छोड़ दिया और मेरा टाइम जो है वो मैंने अपने वीडियोस एंड जो एडिटिंग में उसमें मैंने फोकस किया। ओके, आपको फोटोग्राफी क्यों पसंद है? बाय द वे, आज को जो मैंने इंस्टाग्राम पे फोटो शेयर करी या यूट्यूब वगैरह सोशल मीडिया जो भी वो इसी ने खींची थी, एडिटिंग भी इसी ने करी हुई है। बता दूं कि ये सब कांड करने में इसको मजा आता है और ये पहले से ही कर रहे हैं, तो आप थोड़ी डिटेल में जानेंगे। अगर आपने नहीं देखी तो आपका नुकसान है, प्लीज़ फॉलो कर लो इंस्टाग्राम वगैरह पे, वहाँ पे आप देख सकते हो ये सब क्वेश्चन कि फोटोग्राफी में कैसे इंटरेस्ट आया। आज से करीबन 3 साल पहले क्या हुआ था कि विष्णु भैया उसके बाद विष्णु भैया के कुछ फ्रेंड्स आए थे उनके घर में, तो मैं भी आया था ऐसे ही घूमने। टाइम बात कर रहे थे तो विष्णु भैया का फ्रेंड का एक मतलब भाई जैसे ही था, फ्रेंड था अभिषेक नाम था, तो अभिषेक उसके बाद बिट्टू भैया फिर विष्णु भैया सभी भैया सब थे। टाइम फोटोग्राफी को लेके कुछ डिस्कस कर रहे थे, तो मुझको से करीबन 3 साल पहले मुझको फोटोग्राफी बोल के क्या, मैंने नाम कभी भी नहीं सुना था कि फोटोग्राफी होता क्या है, ये मतलब फोटोग्राफी सब क्या होता है, वीडियोग्राफी सब एडिटिंग इस सब के बारे में मुझको कुछ भी पता नहीं था और इस सब के बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं था। तो अभिषेक ने मुझको बताया कि फोटोग्राफी ऐसा होता है वही इमेज सब कैप्चर करना, मतलब जब कभी भी कोई भी सब्जेक्ट दिखा तो उसको कैप्चर करना, फिर उसको जो नॉर्मल फोटो है उसको एडिटिंग करके फिर अपलोड करना, फिर ये वो ये सब उन्होंने बताया। तो मैंने भी सुना, तो मैं सर्च वगैरह किया, उसके बाद मैंने पता किया कि फोटोग्राफी क्या होता है और इसको करने से क्या होता है, कैसा लगता है, तो मैंने तभी से स्टार्टिंग किया फोटोग्राफी करना और तब से मैं जो फोटोग्राफी है वो करते आ रहा हूँ। जब मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट किया था तब मुझको उतना फोटोग्राफी के बारे में पता नहीं था। फोटोग्राफी में नॉर्मली अपना मोबाइल था मेरे पास ऑनर B4G, तब मैंने लिया था, तो मैं उससे ही फोटोग्राफी जो फोटोग्राफ से वो सब शूट करता था। जो 1 साल बाद उसके बाद मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मुझको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, अब मैंने कहा कि मुझको एक कैमरा चाहिए, तो फिर मम्मी ने कहा कि मतलब मम्मी ने डायरेक्टली मना कर दिया कि मैं तुमको इतना मतलब महंगा कैमरा जो है वो मैं नहीं दे सकती। ठीक उसके 1 वीक बाद ही मेरा बर्थडे था, तो फिर मैंने मम्मी को बर्थडे के दिन बोला कि मम्मी मुझको कैमरा चाहिए। उस दिन जो है मम्मी मना नहीं कर पाई, बर्थडे गिफ्ट की तरफ से मुझको मेरा कैमरा मिला, मतलब मुझको कैमरा नहीं मिला, मुझको पैसा दिया गया, मैं कैमरा खरीदने गया था। और मेरा जो पहला कैमरा था वो सेकेंड हैंड कैमरा था, क्योंकि मुझको उस टाइम कैमरा के बारे में कुछ भी डिटेल पता नहीं था कि कैमरा कैसा होता है और इसको यूज कैसे करते हैं, इसके साथ क्या क्या चाहिए होता है, तो मुझको उस टाइम कुछ भी कैमरे के बारे में नॉलेज नहीं था। उस टाइम मैंने कैमरा तो ले लिया बट कैमरा में बहुत सारा खराबी था जिसके बारे में मुझको कुछ भी आइडिया वगैरह नहीं था, तो उसके बाद मैंने कैमरा लिया, फिर कैमरा के बारे में मैंने डिटेल्स वगैरह जमा किया, फिर डिटेल्स वगैरह मैंने दिया कि कैमरा को कैसे यूज करते हैं, फिर इससे कैसे फोटोज वगैरह और वीडियोस वगैरह कैप्चर करते हैं, तो वही सब मैं करते करते उसके बाद मैंने मैनुअल सीखने का सोचा कि क्योंकि मेरा जो पहले का फोन था उसमें मैनुअल मोड नहीं था और मैनुअल क्या होता है ये सब भी मुझको पता नहीं था, तो मैं धीरे धीरे कैमरा में मैनुअल मोड सीखने लगा। फिर इसके बाद मुझको पता चला ISO क्या होता है, शटर स्पीड एंड जो एपर्चर ये सब के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन लेने लगा, और इन सब के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो लेते गया। उसके बाद में अभी जो है एपर्चर ISO और शटर स्पीड के बारे में मुझको पूरा प्रॉपरली पूरा नॉलेज तो नहीं है, बट हाँ एटलीस्ट जो मैं 3 साल पहले था उससे अभी मैं काफी इम्प्रूव हूँ और मुझको
बहुत तो नहीं मतलब एटलीस्ट हाँ मुझको नॉलेज है फोटोग्राफी के बारे में, इसको कैसे मतलब मैनेज करते इसके बारे में थोड़ा बहुत मुझको अभी नॉलेज है। और इसमें मुझको मैनुअल वगैरह सिखाने में विष्णु भैया का भी बहुत बड़ा हाथ है, मतलब उनसे भी मैंने बहुत कुछ पूछा, उन्होंने भी मुझको बहुत कुछ सिखाया फोटोग्राफी के बारे में कि ऐसा ऐसा ये होता है, फिर ये सर्टिफिकेट के बारे में, हालांकि उनको पता नहीं था बट उन्होंने भी मतलब बहुत सारा मतलब थियोरेटिकल नॉलेज, मेरे को थियोरेटिकल नॉलेज बहुत सारा पता है, बस यूज नहीं किया DSLR। हाँ वही सब उन्होंने बताया, फिर वही सब मैंने सर्च भी किया, फिर हाँ पता चला कि हाँ ऐसा ऐसा करने से ऐसा होता है, फिर मैंने वीडियोस वगैरह देखा। व्हाट वाज योर फर्स्ट DSLR कैमरा, कौन सा DSLR पहला था? फर्स्ट DSLR कैमरा जो था वो निकॉन का D3100 था। कितने पड़ी थी वो, कैसा खरीदा वो तो बता दिया, बट कितने का पड़ा था? 11,000 का पड़ा था। सेकंड हैंड था ना? हाँ सेकंड हैंड था। ओएलएक्स जी। ओके, कोई फोटोग्राफर को फॉलो करते हो? हाँ मैं फोटोग्राफर को फॉलो करता हूँ, सौरभ सिन्हा हो गया, कुणाल मल्होत्रा, एक यूट्यूब में है फॉरेनर है कूप फोटोग्राफी बोल के, उनका वो है यूट्यूब चैनल है, तो मैं उनको भी बहुत फॉलो करता हूँ। वो जो मैक्रो फोटोग्राफी आइडियाज हो गया, उसके बाद फोटोग्राफी का जो नॉलेज वगैरह रहते हैं उनको शायद कुछ ज़्यादा ही पता है, तो उनका मैं बहुत सारा फॉलो करता हूँ स्टेप वगैरह। ओके, बाय द वे जैसे कि मैंने अपने शायद हसल वाले वीडियो में बताया था या किसी ना किसी वीडियो में बताया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मैंने बताया था कि फ्यूचर में हम लोग सबके टैलेंट के बेस पे काम डिसाइड करेंगे। अभी हम लोग को हर किसी को मल्टीपल काम मैनेज करना पड़ता है। मे बी प्रथम जो है वो फोटोग्राफी कर रहा होगा या फिर हमारे फोटोज़ वगैरह ले रहे होंगे थंबनेल वगैरह के लिए, हैंड देन या वीडियोस भी शायद शूट करेंगे, तो ये सब होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि फिर आपने DSLR को बेचा क्यों? एक्चुअली DSLR में पहले से ही थोड़ा बहुत खराबी था, तब मुझको उतना पता नहीं था कि DSLR में ये सब होता है बोलिए, तो उसमें थोड़ा बहुत खराबी था, उसके बाद लेंस में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आने लगा। फिर हुआ क्या कि मेरा एक छोटा भाई है तो उसने जो कैमरा होता है वो टेबल से नीचे गिरा दिया था, तो जिसके वजह से जो लेंस का जो फोकस पॉइंट होता है वो ख़राब हो गया था, तो इसीलिए मुझको वो सेल करना पड़ा। और वो टेबल से गिराने के बाद में उसका जो बैटरी बंद करने का रहता है जो लीड होता है वो क्रैक हो गया था, तो उसको अगर मैं न्यू से फिट करता हूँ तो उसका पूरा बॉडी चेंज करना बोल रहे थे जो दुकानदार हैं शॉपकीपर हैं, वो बोल रहे थे कि पूरा चेंज करना पड़ेगा, तो पूरा चेंज करने से लगभग 6,000 से 7,000 रुपये का मतलब खर्चा आएगा। तो मैंने सोचा 11,000 में मैंने कैमरे लिए तो मैं 6,000 या 7,000 क्यों दूँ वो भी वो रिपेयर करने के लिए। और हाँ वो जो कैमरा था वो बहुत ही ओल्ड था, उसको कैमरा के बारे में बेसिक नॉलेज सब आ गया था, तो मुझको पता चल गया कि ये जो कैमरा है वो बहुत ही पुराना कैमरा है और इसको मैं बना के भी मेरा कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी जो कैमरा से वो न्यू मतलब अपग्रेडेड कैमरा आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक ही बार में न्यू ले लूंगा उस पर खर्चा करने के बजाय। ओके, तो तुमने यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है, कितने यूट्यूब चैनल है फिलहाल? एक यूट्यूब चैनल है मेरा अभी फिलहाल, एक ही यूट्यूब चैनल, तो उसपे मैं टेक्स रिलेटेड अनबॉक्सिंग एंड एडिटिंग से रिलेटेड मैं वीडियोस डालता था और फोटोग्राफी से रिलेटेड भी मैं वीडियोस डालता था, तो मेरा एक ही चैनल था बट उसमें मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करके बहुत सारा डिफरेंट टाइप का वीडियोस बनाता था, तो क्या हुआ कि उसमें बहुत सारे वीडियोस बनाने की वजह से मेरा जो चैनल है वो मतलब एक कचरा टाइप का हो गया था, डस्टबिन टाइप का, क्योंकि उसमें मैंने मतलब सब कैटेगरी का डालता था, तो इसीलिए विष्णु भाई ने भी कहा, उसके बाद डेविड भाई ने भी कहा कि ऐसा अगर करोगे तो ऑडियंस जो है वो तुम्हारे ऊपर मतलब वो अट्रैक्ट नहीं होगी, मैंने भी सोचा, तो इसलिए मैंने जो टेक अनबॉक्सिंग एंड जो एडिटिंग है उसके लिए मैंने अलग से चैनल खोला है, और जो मेरा मेन चैनल है प्रथम विश्वकर्मा उसमें मैं सिर्फ अब फोटोग्राफी के बेस में ही वीडियोस बनाऊंगा। ओके वेट, ये क्वेश्चन से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बाय द वे इनका अपना एक चैनल तो है लेकिन आप इन्हें टेक कंज्यूमर चैनल पर डेफिनेटली देखने वाले हो जो कि हमारी टेक चैनल है, और वहाँ पे आप जाकर वीडियोस देख सकते हो। ऑलरेडी इसने भी कुछ वीडियोस पब्लिश कर रखे हैं, चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप वहाँ पे जाके वीडियोस वगैरह देख लो, सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो, प्रमोशन भी ज़रूरी है। ओके सर कंटिन्यू, फोटोग्राफी के अलावा और क्या क्या इंटरेस्ट है? फोटोग्राफी के अलावा मुझको वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, वीडियोस बनाना मतलब वीडियो रिकॉर्ड करने भी अच्छा लगता है, और एक जो वीडियो में आके बोलते हैं वो भी मुझको बहुत ही अच्छा लगता है बोलना, और इसके साथ अभी मुझको एडिटिंग में भी मतलब बहुत ही इंटरेस्ट आने लगा एडिटिंग में, यहाँ जिसमें मेरे घर पे ही, तो मैं एडिटिंग सीख रहा हूँ अभी। नाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनुअल कैमरा कैसा सीखा यूज करना DSLR? मैनुअल कैमरा मैंने वही यूट्यूब से ही सीखा, यूट्यूब में मैं ट्यूटोरियल सब देखता था, कुणाल मल्होत्रा का, उसके बाद सौरभ सिन्हा, इन दोनों का मैं बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देख चुका हूँ, जहाँ से मुझको ISO, शटर स्पीड
जो मैनुअल के बारे में वहाँ से पता चला, फिर उसको ये भी पता चला कि इन तीनों जो सेटिंग्स से ये बहुत ही मेन है इन फोटोग्राफी में। अगर आप ये जो आईएसओ एपर्चर एंड जो शटर स्पीड है वो नहीं सीखते हो तो आप मतलब एक अच्छा खासा फोटो तो लोगे बट एक क्रिएटिव टाइप का फोटोस नहीं ले सकते हो, क्योंकि अगर आप ये जो आईएसओ एपर्चर एंड जो शटर स्पीड है अगर वो आप सीख गए तो आप जैसे कि एस्ट्रो फोटोग्राफी हो गया, कार्ट रेल्स, स्टार रेल्स एंड जो मिल्की वे फोटोग्राफी, उसके बाद लॉन्ग एक्सपोजर, मोशन ब्लर, ये सब आप इमेजेस जो है वो आप नहीं क्लिक कर सकते हो अगर आप मैनुअल प्रॉपरली नहीं सीखे हो तो। तो मैनुअल सीखना बहुत ही जरूरी है हर फोटोग्राफर के लिए। राइट, बाय द वे आज को मैंने भी DSLR से फ़ोटो लिया और बहुत गंदा फ़ोटो लिया। एक्चुअली तीन फोटोज़ लिए, तीन में से पहले ही बहुत ख़राब थी, दूसरी मीडियम और तीसरी ऑलमोस्ट ठीक ठाक। तो मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ करा मैंने, बट हाँ लेंस भी उतनी अच्छी नहीं थी तो प्रॉब्लमेटिक थी, बट मैंने फिर भी ठीक ठाक फ़ोटो ले ली। एंड फ्यूचर में जब मैं DSLR परचेस करूँगा तो डेफिनेटली सीखूँगा, बट फिलहाल अभी मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं DSLR में, तो देखते हैं वो कब होती है। By the way, अपने YouTube चैनल कब स्टार्ट किया था और अभी कितने सब्सक्राइबर हैं वहाँ पे? ना याद नहीं है मुझको, बट हाँ 2 साल हो चुका है मेरे YouTube चैनल स्टार्ट करने का और 2 साल में मेरा 493 सब्सक्राइबर है अभी फिलहाल। मेरा शायद सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाता बट मैं उतना एक्टिव नहीं था उस टाइम, और क्योंकि उस टाइम मेरे पास ऑनर भी 4G था जिसमें 1 GB का रैम था। उसमें क्या होता था कि अगर मैं वीडियोस ज़्यादा बना लूँ तो फ़ोन हैंग होने लगता था और मतलब ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा था, तो इसलिए मैं YouTube में ज़्यादा एक्टिव नहीं था। बट जब से मैंने ये न्यू फ़ोन लिया है Realme 5i का, तो इसमें स्टोरेज वगैरह मतलब बहुत ही एडवांस है और कैमरा भी अच्छा है, तो इसमें मैं अभी ये 2020 से मैं कुछ ज़्यादा एक्टिव हूँ यूट्यूब में और मेरा बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेगा। ओके, डेविड गर्ज ने एक क्वेश्चन ऐड किया यहाँ पे, हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? एक्चुअली मेरा टाइम मैनेज करने का कोई रीजन नहीं है क्योंकि मेरे पास टाइम ही टाइम होता है। चल टाइम ही टाइम है तेरे पास, टाइम का कमी ही नहीं है, मैनेज करने का जरूरत ही नहीं है, टाइम का कमी ही नहीं है, भरा पड़ा है टाइम। फिलहाल अकेले रहता हूँ घर पे, तो वैसे ही आपको पता ही होगा अकेले रहने में क्या ही मतलब, कुछ काम तो होता नहीं है, अकेले रहो कोई मतलब ही नहीं है। बहुत ज्यादा टाइम है, वही बहुत ज्यादा टाइम है। ओके, फ्यूचर में क्या प्लान्स है, क्या करना चाहते हो? फिलहाल अभी तो कोई प्लान नहीं है बट हाँ वाइल्ड लाइफ मतलब जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है वो बनना चाहता हूँ। फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना है? हाँ फोटोग्राफी करना वाइल्ड लाइफ। ओके, अगर DSLR खरीदना होगा तो नेक्स्ट DSLR कौन सा खरीदोगे? मतलब समझ लो तुम्हारे पास अनलिमिटेड पैसा है तो अभी कौन सा एक DSLR खरीदोगे, कौन सा एक? हाँ तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा 2 कैमरा। पहला कैमरा है निकॉन का 850, वो बहुत ही अच्छा कैमरा है और वो बहुत ही एडवांस कैमरा है, तो उस पर आपको बहुत सारा अपग्रेड चीज़ें मिलेंगे और फोटोग्राफी के लिए बहुत ही मस्त है क्योंकि इसमें आप वाइल्ड लाइफ के साथ साथ बहुत टाइप ऑफ की फोटोग्राफी ले सकते हो और इसमें जो शटर स्पीड, ISO एंड जो एपर्चर रहता है वो मतलब एक एडवांस लेवल का मिलेगा, ये बहुत ही अच्छा है। और जो नेक्स्ट कैमरा है वो कैनन का है, कैनन का 2D Mark II, ये बहुत ही अच्छा कैमरा है। इसको परचेस करने के लिए मतलब बहुत पैसा लगता है, अपना शायद नहीं बोल सकता है, ये बहुत ही मतलब एक्सपेंसिव कैमरा है। और ये कैमरा आपने ले लिया तो ऐसा कोई भी मतलब फोटोग्राफ नहीं है जो इस कैमरा से आप नहीं ले सकते हो, ये मतलब बहुत ही अपग्रेडेड कैमरा है। ओके, बाय द वे जो भी DSLR रिकमेंड करी गई है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा अगर आपको परचेस करना है तो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में गए हो मतलब इससे पहले? हाँ बट मतलब दूर नहीं गया, मैंने ये सोनगाछी स्टेट में ही वाइल्ड लाइफ कितना सारा शूट किया है और उसके मेरे पास बहुत सारा इमेजेस भी है। लोकल एरियाज पे? लोकल एरियाज पे मैंने लिया है और ज़्यादातर मेरे पास बर्ड्स का है। ओके, व्हिच एप्स डू यू यूज फॉर एडिटिंग योर फोटोज? मैं पर्सनली यूज करता हूँ लाइटरूम, ज़्यादातर मैं लाइटरूम ही यूज करता हूँ क्योंकि लाइटरूम में एडिटिंग जो है वो मतलब एक रॉ एडिटिंग आपको दिखाता है, मतलब जितना हो सके लाइटरूम में रॉ आप एडिटिंग कर सकते हो, उसमें कलर ग्रेडिंग से हुआ फिर एक्सपोजर कम करना उसके बाद कॉन्ट्रास्ट ये सब सेट करना वो सब मतलब रॉ एक एडिटिंग हो गया। और जो पिक्सार्ट सब होता है उसमें आप मतलब एक फैंसी एडिटिंग टाइप आप कर सकते हो, तो अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको स्टार्टिंग में स्नैपशीट हो गया, पिक्सार्ट हो गया, ये सब आप यूज़ कर सकते हो। बट आपको अगर जो एडिटिंग के बारे में मतलब एडिटिंग के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आ रहा है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लाइटरूम यूज़ करो क्योंकि लाइटरूम में बहुत हद तक एडिटिंग मतलब एडवांस करने का फीचर सब है। ओके, अभी आजकल क्या चल रहा है और मतलब शॉर्ट टर्म में क्या गोल है, आगे क्या करना है? रिसेंटली बहुत 10 साल बाद का नहीं पूछ रहा हूँ,
अभी ये इस साल का क्या क्या गोल है? इस साल का बस YouTube वीडियोस बनाना, बहुत सारा YouTube वीडियोस बनाना, बहुत सारा YouTube वीडियोस। बाय द वे हमारे साथ बहुत सारे वीडियोस आएंगे टेक कंज्यूमर पे, और मे भी अगर हम लोग फिर से कुछ चैनल लॉन्च करते हैं तो वहाँ पे भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चैनल है, तो मे भी हो सकती है। और फ्यूचर में शॉर्ट फिल्म्स वगैरह भी करना है तो डेफिनेटली वहाँ पे भी शायद देखोगे। अभी फ़िलहाल ये टेक कंज्यूमर के वीडियोस में आएंगे, और इसके साथ हमारे टीम में ये एडिटिंग करने वाले हैं, वीडियो एडिटिंग करने वाले हैं बहुत सारे, मे भी थंबनेल वगैरह भी, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइन भी थोड़ा बहुत आता है बट सीख सकता है अगर थोड़ा बहुत करे तो। फोटोग्राफी में अच्छा है बट फोटोग्राफ हमें अभी तो ज़्यादा चाहिए नहीं होता है, बट चाहिए होगा तो डेफिनेटली काम हो जाएगा वो भी। तो बस यही सब है जो प्रथम हमारे टीम पे संभालेंगे, इसके अलावा और कुछ मुझे नहीं लगता। तो अगर आपको एंड स्टेटमेंट देना हो तो पॉडकास्ट को एंड करने के लिए क्या कहना चाहोगे? तो आज के आखिरी शब्द, आज के लिए बस इतना ही बस इतना ही कहना चाहोगे? आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग जो नेक्स्ट एपिसोड होगा उसमें मैं बहुत सारा और बातें करूंगा। यस पहला एपिसोड किसी के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। हम लोग पहले ही डिसाइड कर लिया था कि थोड़ी शॉर्ट रिकॉर्ड करेंगे ताकि कंफर्टेबल हो जाए, इसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि मतलब लंबे लंबे पॉडकास्ट वगैरह कर सकते हैं। जैसे आज को डेविड गर्ज के साथ करी थी तो पहले 8 मिनट उसने ऐसे ही आप खुद ही बोलना शुरू कर दिया था, मुझे लग रहा था कि मुझे स्टॉप कर देना चाहिए, टाटा बाय बाय करके निकल जाना चाहिए। तो ऐसा सिचुएशन भी आएगा डेफिनेटली, तो ये भी कंफर्टेबल हो जाएंगे कभी ना कभी, और तब बहुत ही मस्त मस्त पॉडकास्ट आपको देखने को मिलेगी। ऑलरेडी ये भी अच्छी है, इससे पहले वाली भी अच्छी थी, आगे आने वाली भी अच्छी होने वाली है, तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप स्पॉटिफाई या एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट कहीं पर भी सुन रहे हो तो वहाँ पर भी फॉलो करना मत भूलना। और हाँ, अगर यूट्यूब में देख रहे हो तो यूट्यूब वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।